कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मेरा अनुरोध है हमारे भाई योगानंद जी से कि वो थोड़े शब्दों में ही अपनी वाणी को समाहित करेंगे। बहुत सुंदर और बड़ी स्पष्ट व्याख्या आप सुन रहे हैं। राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जीवन में उत्साह, साहस, धैर्य और आत्मबल ये ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सफलता प्रदान करते हैं। और यदि इन गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करना हो तो उन शक्तियों की हमें आराधना करनी चाहिए जिनमें ये गुण विद्यमान हैं, जो इन दिव्य गुणों के समुद्र हैं, सागर हैं। और हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में जिसका चिंतन करता है, जिसका मनन करता है, वैसे ही गुण उसमें आ जाते हैं, वैसे ही उसकी वृत्ति बन जाती है। इसलिए संबंधित होगा, उससे संबंधित गुण आपके हृदय में उतरने लगेंगे। लोभी आदमी धन का चिंतन करते ही लोभ से अभिभूत हो जाता है, कामी आदमी स्त्री पुरुष का चिंतन करते, पुरुष स्त्री का चिंतन करते ही वासना से अभिभूत हो जाती है। किसी का पुत्र विदेश रहता हो, दूर रहता हो, पुत्र का चिंतन करते ही जहां पुत्र की छवि उसके हृदय में आई, वात्सल से हृदय भर जाता है। शत्रु को याद करते ही अंतर में एक ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। ये जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल विश्लेषण से तत्वदृष्टा मनीषियों ने मनुष्य को यह समझाया है कि तुम कभी भी बुरे का व बुराई का चिंतन मत करो, अन्यथा वो दोष तुम्हारे में आने लगेंगे। यदि किसी बुराई को घृणा की दृष्टि से देखते रहोगे तब भी वो घृणा की भावना तुम्हारे में घर कर जाएगी। इसलिए जहां भी तुम्हारी दृष्टि जाए वहां गुण ढूंढने की कोशिश करो,
गुण देखने की कोशिश करो, गुण का चिंतन करो, दोष का नहीं। उसमें हेतु यही है कि यम चिंतेत तम तम भावयत, जिसका चिंतन करोगे वैसी तुम्हारी भावना बनती चली जाएगी। और इसका इतिहास में आपको प्रत्यक्ष उदाहरण में बता रहा हूं। जब मुसलमानों के द्वारा घोर अत्याचार हो रहा था भारत में, तो एक महापुरुष का जन्म हुआ। कहां? महाराष्ट्र में। और वह एक सुयोग्य और बुद्धिमान बालक था। युवा अवस्था में आया तो माता पिता ने उसके विवाह की व्यवस्था कर दी। बारात सज करके लड़की वालों के घर पहुंच गई। दूल्हा बनकर के वो युवक गया ससुराल, जिसे कहते हैं। जब चौकी पर बैठने लगा, जहां फेरे होते हैं, तो वहां पर जब बैठने लगा चौकी पर, तो पुरोहित, ऐसा वेद में व्यवस्था है, उसे सावधान करता है। सावधान ये सबके साथ होता है, उसी के साथ हुआ ऐसी बात नहीं। जब सावधान कहा तो बालक चौंक पड़ा, चौंक पड़ा और सोचने लगा कि क्या बात है, मैं तो सावधान नहीं, मैं तो विवाह की खुशी में ओतप्रोत होकर के यहां यज्ञ मंडप में, विवाह मंडप में पहुंच चुका हूं। उसने धीरे से वहां से उठ करके बाहर आने की कोशिश की। जब बाहर जाने लगा विवाह मंडप से, तो लोगों ने यह सोचा कि हो सकता है इसको कोई जैसे लघु शंका आदि की हाजत हो गई हो, उसके लिए बाहर जा रहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर निकल आया और बाहर निकल करके जोर से दौड़ा। जब दौड़ा थोड़ी दूर पर, वहां जंगल था, वो जंगल में प्रवेश कर गया। मंडप में विवाह के लोग ढूंढ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बालक अब आ रहा होगा, अब आ रहा होगा, लेकिन वो तो वहां गायब। फिर उसकी खोज होने लगी कि लड़का कहां गया भाई, दूल्हा कहां गया। कहा दूल्हा तो गायब हो गया। लड़की वाले बुरा माने, लड़के के बाप को भी दुख हुआ, लेकिन दूल्हा तो गायब हो गया। बहुत ढूंढे, कहीं नहीं मिला वो लड़का। और जब कहीं नहीं मिला तो माता पिता निराश हो गए। और वो लड़का जंगल में गया और वहां उसे एक महापुरुष मिल गए। उन्होंने उसे साधना में लगा दिया और साधना में लगाया तो वो लड़का 12 बरस उसी जंगल में साधना करता हुआ सिद्ध बन गया। और उस समय मुगलों का घोर अत्याचार हो रहा था भारत में। उससे उसकी आत्मा कराह उठी, तड़प उठी और उसने निश्चय किया कि ये हिंदू जाति जो इस समय दीनता, हीनता, दरिद्रता को प्राप्त हो गई है, जो कभी इतनी महान, बलवान, शक्तिशाली और शरीरशाली जाति थी, आज वो दुर्गति को प्राप्त हुई है, इसको एक नया जीवन देना होगा। और इस नए जीवन देने के लिए
इसके लिए एक आदर्श प्रतिष्ठित करना होगा। और उसने आदर्श ढूंढा किसको? भगवान मारुति हनुमान जी को। 12 वर्ष बाद जब वो लौटा समाज में और इस प्रतिज्ञा के साथ कि मैं इस देश को पुनः महानता के शिखर पर बैठाऊंगा, अब वो ढूंढने लगा कि कोई मुझे ऐसा पात्र मिले, मैं तो महात्मा हूं, मैं क्या करूंगा। दैवी विधान से उसे एक बालक मिल गया। उस बालक को देखा, उसके साहस को देखा, उसने निश्चय किया कि यह बालक मेरे क्रियाकलाप का माध्यम बनेगा। और उस महात्मा ने अपने विचारों के प्रचार से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया और हजारों नवयुवक उसके अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए। और उसने एक नियम बनाया कि हर 5 कोस माने 10 मील, हर एक 10 मील की दूरी पर एक हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए और उस मंदिर के साथ एक अखाड़ा होना चाहिए। वहां नवयुवकों को बुला करके उनको कसरत करने के लिए, अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए। और हर एक जगह उसने एक अपना शिष्य बैठाया उस हनुमान जी के मंदिर पर पुजारी के रूप में। और कुछ ही वर्षों में पूरे महाराष्ट्र में वो छा गया इस ढंग से अपनी योजना के अनुसार, और महाराष्ट्र को एक महान शक्तिशाली योद्धा के रूप में परिणित कर दिया। जानते हो उस भगे हुए बालक का नाम क्या था? समर्थ गुरु रामदास। और जिस बालक को उसने चुना था अपने क्रियाकलाप का माध्यम, उसी को आप शिवाजी मराठा के नाम से जानते हैं। और पूरे महाराष्ट्र को इतना शक्तिशाली बनाया उस एक व्यक्ति ने, जो कि मराठों की फौज, आपको मालूम होगा कि सिंध दरिया तक विजय प्राप्त करते हुए चली गई थी, और एक इतने बड़े साम्राज्य की प्रतिष्ठा कराई जिसके राजा के रूप में शिवाजी महाराज थे। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि उस दीनहीन अवस्था में पहुंचे हुए हिंदुओं में एक नई शक्ति जागृत करने के लिए उसने हनुमान जी को चुना। इसी रूप से ये जो आप लोग अस्सू महीने में दशहरा के दिनों में रामलीला खेलते हैं, पूरे भारत में रामलीला होती है, ये जानते हो कब से शुरू हुआ? इसको शुरू किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उस समय भारतीय जनता की दुर्गति को देख करके उसमें जीवनी शक्ति जागृत करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रामलीला के रूप में प्रचार किया। ये रामलीला तब से शुरू हुई है और धीरे धीरे पूरे भारत में व्याप्त हो गई। राम का पावन चरित्र जो उन्होंने अपनी रामायण में लिखा था, उसको लीला के रूप में स्टेज पर प्रदर्शित करके जनता को जागृत किया और उसमें भी हनुमान जी की वीरता की प्रतिष्ठा की। आज तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित अनेकों हनुमान जी के मंदिर उत्तर भारत में। मेरे कहने का अभिप्राय कि जिस प्रकार का आपका आइडियल होगा वैसी आपकी वृत्ति बनेगी। भक्ति के नाम पर जिस हीन भावना का प्रचार हुआ भारत में, वह भारत की जनता के लिए अभिशाप बना। और यह सब हुआ भक्ति के नाम पर, भगवान की उपासना के नाम पर। जनता को क्या शिक्षा दी गई? तुम तृणादपि सुनीचे न, तृण से भी नीच बन जाओ, तरो रूह सही सुणुना, और वृक्ष से आधा सहनशील अधिक तुम्हारे में सहन शक्ति आ जाए,
कोई तुम्हें लात मारे तभी उसे हाथ जोड़ो, कोई तुम्हारा तिरस्कार करे तभी तुम उसको पांव पकड़ लो। ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी गई, क्या बताऊं आपको। और सारे स्वाभिमान को तिलांजलि देख करके बिल्कुल अमानी ना मान देना, स्वाभिमान को तिलांजलि दे दो और दीन बन करके भगवान को पुकारो, भगवान आएंगे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें भक्ति के नाम पर प्रचारित की गई और ये महान वीर जाति, महान राष्ट्र दीनहीन बन करके मुट्ठी भर असभ्य विदेशियों के पांव के नीचे कुचला जाता रहा। एक दिन दो दिन नहीं, 700 वर्ष तक मुसलमानों के द्वारा कुचला जाता रहा, 200 वर्ष तक। यहां से 6,500 मील से दूर से आए हुए अंग्रेजों के द्वारा कुचला जाता रहा। लेकिन बीच बीच में प्रभु की कृपा समझिए, पंजाब में हमारे गुरुओं ने शस्त्र उठा करके अपने वीरता और धीरता का संस्कार दिया। उस परंपरा शक्ति स्वरूपा भगवती का स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों के नाम को प्रकाशित करते हुए, आप विचित्र नाटक पढ़िए जरा जो दशम गुरु का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने वंश की महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि इसी कुल में जिसमें परमात्मा राम रूप में अवतरित हुआ था, उसी राम की संतान लव और कुश के वंश में हम पैदा हुए हैं। क्योंकि जो अपने अतीत के, अपने महापुरुषों के प्रति आस्था नहीं रखता, जिसको अपने कुल का, अपने पूर्वजों के प्रति गौरव नहीं है, वह कभी भी समाज के लिए आदर्श नहीं बन सकता, याद रखो। इसी रूप से राजस्थान में महाराणा प्रताप, जिनकी ये घोषणा ही थी, जो तू राखे धर्म को तो ही राखे करतार, जो हमारे यहां वेद में है, धर्मो रक्षति रक्षिता महाभारत में है, उसी को उन्होंने अपनी भाषा में कहा, जो तू राखे धर्म को तो ही राखे करतार। और शिवाजी, जिसकी बात अभी मैं आपको बता रहा था, ये सब धर्मनिष्ठ थे, आत्मनिष्ठ थे, अपने अतीत के प्रति आस्थावान थे, अपने पूर्वजों के प्रति उनके हृदय में आदर था और अपने सर्वस्व की बलि दे करके इस राष्ट्र के गौरव को सुरक्षित रखा। इसलिए किसी भी प्रसुप्त जीवन में यदि प्राण जागृत करना हो, शक्ति का संचार करना हो, तो उसके लिए भगवान मारुति का पावन चरित्र एक नई चेतना प्रदान करने में सक्षम है। आप देखिए उनका साहस, उनका शौर्य देखिए। जिस समय जामवंत ने कहा कि हनुमान तुम्हें समुद्र लांघ करके लंका जाना है, सीता की सुधी लाकर राम को सुनाना है, तुम्हारे जिम्मे केवल इतना ही काम है, हनुमान जी आनंद से भर गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। और क्या कहा, तब लगी मोही परिख्यौ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तुम लोग यहां तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करने में समय लग सकता है, यहां कंद मूल फल जो है समुद्र के तट पर उसका सेवन करते हुए मेरी प्रतीक्षा करना, घबराना नहीं। कब तक प्रतीक्षा करूं, कहा जब लगी आवो सीत ही देखी,
जब तक मैं सीता को देख करके न आऊं तब तक परीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। कहा कब तक आप आ जाएंगे? कहा यह निश्चय मैं नहीं बता सकता, कितने दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैं अवश्य देखकर सीता को आऊंगा। कहा आपको इतना विश्वास कैसे है? कहा हो ही का जमन हरस अभिषेक ही, ये लक्षण है। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा कार्य सिद्ध होगा क्योंकि मेरे मन में उत्साह है, हर्ष है, आनंद है। किसी काम को करने के लिए आप चले और पहले ही सोचने लगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो नहीं तो आपकी आत्मा ने ही तुरंत कह दिया, तो आप उस काम के लिए आगे क्यों बढ़ रहे हो? तो जब पहले ही आपकी आत्मा में संशय हो गया कि चलो हम तो मेहनत करेंगे, होगा कि नहीं होगा, ये कायरों की भाषा है। चाहे वो कोई कितना महान आदमी क्यों न हो, यदि ऐसी भाषा बोलता है तो वीर उसे बर्दाश्त नहीं करते। सुंदरकांड में आप पढ़ेंगे, एक बार भगवान राम ने भी यही भाषा बोली थी। यही भाषा कब बोली थी जानते हो? जब समुद्र के किनारे बैठे हुए पूछने लगे कि बताओ भाई समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो सबने अपने अपने मत दिए। विभीषण ने कहा कि प्रभो विनय करिए सागर सन जाई, आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए और ये समुद्र आपके लिए कोई रास्ता बता देगा। भगवान ने विभीषण की बात सुनी तो क्या कहा जानते हो? सखा कही तुम नीक उपाय, करिय देव जो हो सहाय। हे मेरे मित्र, तूने बहुत अच्छा उपाय सुझाया मुझे और इसको मैं अवश्य करूंगा, यदि देव सहायक हुआ भगवान ने चाहा तो हो जाएगा। लेकिन एक वीर के द्वारा इस प्रकार की बात सुनकर के लक्ष्मण का धैर्य टूट गया, उठकर खड़े हो गए। ये संकोच नहीं किया कि मेरे स्वामी हैं, बड़े भाई हैं, ना ना, क्योंकि लक्ष्मण जी ऐसी बातों को बर्दाश्त करने के आदि नहीं थे। उन्होंने तुरंत राम को संकेत करते हुए कहा, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोखिय सिंधु करिय मन रोषा। और जो आप बोल रहे हो करिय देव जो हो सहाय, ये कायर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं तो कायरों की भाषा आप बोल रहे हैं। कायर लोग कहा करते हैं कि यदि ईश्वर ने चाहा तो ये काम हो जाएगा, ईश्वर की दुहाई दैव की दुहाई तो आलसी लोग दिया करते हैं। प्रभु वीर के लिए शोभा नहीं देता। भगवान ने इशारे से कहा कि भैया जो तुम कह रहे हो मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, ये विभीषण शत्रु का भाई है, अभी नया नया मेरी शरण में आया है और इसने पहली सलाह दी है, यद्यपि सलाह इसकी गलत है, यदि मैं इसको अस्वीकार कर देता हूं फिर आगे का कोई भेद हमें नहीं बताएगा, क्योंकि यह सोचेगा कि मेरी बात यहां सुनी ही नहीं जाती। तो केवल विभीषण को संतुष्ट करने के लिए मैंने ये बात कही है, लेकिन याद रखो करना वही है जो तुम कह रहे हो। ऐसे ही कर धरउ मन धीरा, करना वही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि रास्ता समुद्र ऐसे नहीं देगा। और जब 3 दिन बीत गया तो भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण कहा प्रभु कहा लक्ष्मण बाण सरासन यानु, मेरा धनुष बाण ले आ। क्या करोगे प्रभु? कहा सोखूं बारिद विषक कृषानु, अग्नि बाण से मैं समुद्र को सुखाऊंगा। वाह, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए कि हाँ ये बात ठीक है। और जब भगवान ने अग्नि बाण को संधान किया तो तुरंत समुद्र हाथ जोड़कर सामने आ गया। तो वहां पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता
रतसन ज्ञान कहानी, अभिलो अतिलो भी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ये ऊसर बीज बये फल जथा। कहा कि याद रखो, सठ व्यक्ति से विनम्रता से यदि चाहो कि काम ले लो, वो भाषा ही नहीं समझता, वो तो शक्ति की भाषा समझता है। यदि शक्ति की भाषा कहो तो तुरंत तो कहेगा हाँ ठीक जो आप कह रहे हो, और यदि आप नम्रता की भाषा उससे बोलो तो क्या कहता है? वो कहता है कमजोर आदमी है, डर रहा मेरे को, वो कमजोर समझता है। और याद रखिए, जहां पर आपकी विनम्रता आपकी निर्बलता का प्रतीक बनती हो, वहां पर विनम्रता गुण नहीं है, दोष है। याद रखो, आपकी विनम्रता यदि आपके सामने वाले की दृष्टि में आपकी निर्बलता का अवबोधन कराती है कि ये कमजोर आदमी है इसलिए रीरी कर रहा है, तो जब आपकी विनम्रता दूसरे के लिए कमजोरी सिद्ध होती हो, वो विनम्रता गुण नहीं है, दोष है। इसलिए विनम्रता कहां प्रयोग करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, शास्त्र में इसकी व्यवस्था है। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि जो साहसी हैं, वीर हैं, योद्धा हैं, वो ये नहीं कहते कि ईश्वर चाहेगा तो काम हो जाएगा, नहीं, ये काम मैं कर रहा हूं और अवश्य होगा, दृढ़ निष्ठा है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में निश्चय है, हुई ही काज मन हर्ष अभिषेकी, अस कही ना इस भनी कहूं माथा, चले हरस ही धरी रघुना था। ऐसा कह करके सभी वीरों को नमस्कार किया और हृदय में अपने प्रभु श्री राम को धारण करके चल पड़े। कहां गए? वही कल का दृश्य याद कर लो, सिंधु तीर एक सुंदर भूधर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र के किनारे एक सुंदर गिरी नाम का विशाल पर्वत था, लीला मात्र से छलांग मार करके उसके ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने समुद्र पार के लिए छलांग मारा। तो यही गिरी चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता। उनके चरणों की धसक से वह विशाल पर्वत पृथ्वी के अंदर धस गया और हनुमान जी छलांग मार करके वहां से यात्रा पर चल दी। याद रखो, गुरु के बताए हुए निर्देशानुसार मार्ग पर जब जीव आगे बढ़ता है तो उसके सामने बाधाएं न आवे ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं हम तो रातों दिन भगवान भजन करते हैं तब भी कई बाधाएं आ जाती हैं, तो सोचते हैं कि ये भगवान कैसा जिसका भजन करने पर बाधाएं आ जाए तो भजन ही छोड़ देते हैं, कि वो भगवान सही भगवान नहीं है। फिर असली भगवान की तलाश करने लगते हैं और असली भगवान किस रूप में उनको मिलता है तो भगवान ही जाने या वो जाने। हनुमान जी जब लंका के लिए प्रस्थान किए वो राम के कार्य के लिए जा रहे थे, अपना कोई स्वार्थ नहीं था उनका, लेकिन उनके मार्ग में बाधाएं आई और एक बाधा नहीं आई, तीन तीन बाधाएं आई, तीन तीन। एक बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान राम जब पहले शस्त्र उठाए और उठाकर लोक कल्याणार्थ कार्य में प्रवृत्त हुए तो सबसे पहले उन्होंने एक नारी का वध किया, नारी का वध किया। जानते हो उस नारी का क्या नाम था? ताड़का। और यदि ताड़का का वध न किए होते राम तो क्या राय है आपकी? वो विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर सकते? क्या राम की कीर्ति दुनिया में फैलती?
क्या राम को सीता की प्राप्ति होती? नहीं, असंभव।